हाय एवरीवन, सो इट्स ए गुड न्यूज फॉर यू कि आपण को ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन र असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी ओडिशा सेक्रेटेरिएट रे जो जॉब बारिवार थिला सेटा ऑलरेडी पब्लिश हे सारीछि एंड एज पर मु आपण को कहितली कि ए वीक रे निहाति आसी जीव सो दैट कि नोटिफिकेशन ऑलरेडी आसी सारीछि आमे डिस्कस करनेबा जहां भी किछि रिक्वायरमेंट्स दरकार एंड कोन कोन आपण को फॉर्म मींस कि फिल अप कला बेले कोन कोन रिक्वायर्ड हेबो एंड आपण कोन कोन पॉइंट्स प्रति ध्यान देबा दरकार ओके सो ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन रो रिक्रूटमेंट तो पळे आछी आपण देखि परजोंदे सो एठी किछि मु आपनकु हाइलाइट कर देउछि कि एटा ग्रुप बी जॉब ओके एयार जो पे स्केल मु आपनकु कहि देउछि तो तार पे स्केल एक्चुअली देखन फर्स्ट जिन सला कि आमे केबे टू ऑनलाइन अप्लाई करिवे सो 10/10/2018 ओके सो 10/10/2018 रो आपन अप्लाई करि परिवे जोटा कि अक्टोबर 10 रो आपन अप्लाई करि परिवे ओके सो एटा आपनकर नवंबर 9 पर्यंत रहिबो बुझिला सो एथे 500 पोस्ट ऑलरेडी जोटा मुझे मेनसन करी से बाहरी जाइए 500 पोस्ट पाई कि एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो ग्रुप बी जॉब एंड एथे तार पे स्केल रहा आपण जोटा कि 35,400 लेवल 9 सेल रे ओके बट तार पे मेट्रिक्स जोटा यहाँ एक्चुअली जस्ट खाली आप जो ग्रोस पेटा ओके ता सहित आप 20% आप एचआर आसव ट्रावेलिंग अलाउंस आसव एंड आप डीएनएस अलाउंस आसव ए सब टी एंड डीए ए सब जो अलाउंस आपको मिसीज एंड से सब मिसाला आपको गोटे होलसम गोटे अमाउंट रोटा कि सालरी मिले ओके सो निहाती तार पे बॉन्ड जोड़ा रोचे आप 9,334,800 अच्छे एंड तार ग्रेड पे अच्छी 4200 ओके सो एक्चुअली ये विथ यूजुअल डीएनएस अलाउंस एंड आप जो ट्रावेलिंग अलाउंस रोचे एचआर रोचे से सब अलाउड हम सो वैकेंसी पोजीशन ऑलरेडी आम जानी ऑलरेडी मुझे ग्रुप आपको शेयर करी कि वैकेंसी पोजीशन कौन थी टोटल 500 पोस्ट थी एंड से 166 ओमेन थी ओके सो ये आप अनरिजर्व पाई 266 अच्छी बट से 88 रिजर्व अच्छी ओमेन पाई से टाइप एससीबीसी की 87 पोस्ट अच्छी 29 रिजर्व अच्छी ओमेन पाई एंड शेड्यूल कास्ट पाई 75 पोस्ट अच्छी जोटा कि 25 पोस्ट आप रिजर्व अच्छी ओमेन मानी एंड शेड्यूल ट्राइब पाई 72 अच्छी एंड जोटा कि आप 24 आप अच्छी ओमेन पाई रिजर्व ओके सो एठी आपणकर आउ जिनस कहिजे कि एठी आपण स्पोर्ट्स पर्सन एंड एक्स सर्विसमैन तांको मध्य एठी बी किछि जोडा कि पोस्ट अछि एंड सेटा एक्चुअली आपणकर जनरल कैटेगरी रु जाय सो बेसिकली जनरल कैटेगरी रु सेटा हि जोडा कि डिडक्ट हेतै ओके सो एठी स्पोर्ट्स पर्सन पै कि आपणकर कैटेगरी दिछि को माने हेइ परिबे तांको पै कि कोन कोन अछि सेटा बि रिजर्व दे दिछि स्पोर्ट्स पर्सन पै कि आपणा सेइ 500 एटा एक्स्ट्रा रहबनि सेटा 500 रहबो एठी 5 टोटल अछि स्पोर्ट्स पर्सन पै कि एक्स सर्विस मे 15 टा अछि एंड से टाइप आपर पसंद डिसबिलिटी जो मैंने अच्छा 20 अच्छी बट से 5 आपर ओमेन मैं रिजर्व अच्छे सो ब्लाइंड यूर आप 20 पोस्ट अच्छे से ब्लाइंड एंड लो विजन पाई 5 पोस्ट अच्छे एंड 2 पोस्ट ओमेन पाई रिजर्व अच्छी हियरिंग इम्पेयर्ड जो मैंने अच्छा कि 5 पोस्ट जो 1 पोस्ट रिजर्व फॉर द ओमेन एंड लोकोमोटिव डिसेबिलिटी सेरेबल पॉलिसी जो मैं रोचे 5 पोस्ट एंड 1 पोस्ट फॉर द ओमेन कैंडिडेट्स एंड ये आपको ऑटिज्म की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जहाँ रोचे कि स्पेशल डिसेबिलिटी रोचे मल्टीपल डिसेबिलिटी रोचे आपको 5 पोस्ट अच्छे एंड जो कि आपको 1 पोस्ट रिजर्व फॉर द ओमेन ओके सो ये आपको कौन रोचे ये एक्सचेंज ऑफ रिजर्वेशन बिटवीन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब विल नॉट बी कंसीडर्ड कि आगु एक्चुअली बहुत सारा एमती केस होता है सो शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट भितर अल्टरनेटिव पोस्ट भी किसी कैंसर केसेस आसते से कौन से एक्सचेंज पोस्ट हो पारे रेस्पेक्टिव कास्ट पाई रेस्पेक्टिव पोस्ट रहा दैट मीनस कि आप भावंतु कि आपड़ी मनकर आप एससीबीसी अच्छा कि एसटी एससी एमती अच्छा तो आपको रिजर्वेशन कैटेगरी को फर्स्ट आप फिलअप करते बिकज जितेबाला आपंकर जो सिलेक्शन हम सिलेक्शन मीनस कि आपंकर रेस्पेक्टिव कैटेगरी आपको प्रथम चेक कर अदरवाइज जदि आपको अधिका मार्क रोचे आप जनरल कैटेगरी जी मीनस कि आपको जी मनकर एस टी पाई अच्छे आप जनरल पोस्ट सहित आपण रेस्पेक्टिव पोस्ट रही अच्छे ओके से आप भाविंतु बुझेगा जदि आप हाई नंबर ऑफ मार्क्स रखुं आप जनरल कैटेगरी कनसीडर हे से कि निज कैटेगरी निजे भरतु ये बहुत सारा कैंडिडेट कन्फ्यूज हूँ कि सर जो आमर आमपाई तो बहुत कम पोस्ट अच्छे आम युआर करके पकेबू कि सेमती क्वेश्चन आप बहुत सारा पचारती बट से आप केवल मूर्खामी ही हे आप रेस्पेक्टिव कास्ट जोड़ा किए रोचे से पकड़े जो रिजर्व आपटा आपको काफी हेल्पफुल हम बुझेगा सो नेक्स्ट देखिए इन केस ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी एलिजिबिलिटी एंड सुटेबल ओमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द रेस्पेक्टिव कैटेगरी सो अनफुलमेंट वैकेंसी दैट कैटेगरी शैल बी फिल्ड अप बाय द एलिजिबल सुटेबल मेल कैंडिडेट जदि से ही कैटेगरी आपंकर जदि ओमेन कैंडिडेट्स न रहिले देन आपंकर से कैंडिडेट्स को कौन कर
मेल कैटेगरी जो मेल कैंडिडेट्स जो थे रेस्पेक्टिव कैटेगरी में फिल्ड कर दिया जाए। ओके सो नंबर ऑफ वैकेंसी आपंकर जो रही है आपंकर फिल्ड द बेसिस रिक्रूटमेंट सब्जेक्ट टू चेंज चेंज हो पाए अधिका बढ़ी पाए कि कमी भी पाए बट से हमारे चांसेस उठुनी। ओके सो नेक्स्ट है कि कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी फॉर द जॉब ऑफ द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी इज गिवन बिलो। तो ये आप जो जब डिसेबिलिटी अच्छा तार फुल फॉर्म ये दिखाई आप देखी नहीं जी एज काफी इंपोर्टेंट मुझे ऑलरेडी आपको कही कि एज पे कि जो मैंने चाहूँ एज पे कि आपको रिलैक्सेशन मिल एंड सेटा भी नोटिफिकेशन आसी। सो टोटल आपको पोस्ट जो है कि सॉरी आपंकर जो एज है 21 एज हे कथा बट से आप 21 टू 32 हे कथा बट से फर्स्ट जनवरी 2018 सुधा हे कथा। ओके बट किंतु आप एज रिलैक्सेशन मिली जोटा कि फर्स्ट जनवरी 2013 सुधा आपंकर एज जदि भी होट मीन एज मीन कौन ये आपरेज पर कहुच। ओके दैट मीन कि आप भावे कि फर्स्ट जनवरी 2013 आपको जोटा कि आप एज जी से ही अनुसार आप देखी नहीं जी मीन कि 21 रू 32 भितर जब फर्स्ट जनवरी 2013 आप एज थी देन आप एलिजिबल से टाइप रही फर्स्ट जनवरी 2014 भी अच्छी आप एलिजिबल एंड 2015 भी जब आप एज होती आप एलिजिबल एंड 16 भी आप एलिजिबल एंड 17 भी एलिजिबल दैट मीन कि आप 2013 ठार 2018 भितर जदि मीन कि आपको डेडलाइन है कि 2013 फर्स्ट जनवरी सुधा आपको 32 जेहेतु ये रिलैक्सेशन क्या मिल जो मैंने अवरेज कैंडिडेट थे तो न्यू कैंडिडेट्स मैं तो किसी ना ना तो जो मैंने अवरेज कैंडिडेट अच्छा से अवरेज कैंडिडेट्स मान जो मैंने थे सो से 2013 सुधा जदि आपको 32 होन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ओके सो ये आपंकर टोटल जो जोड़ा कन्फ्यूजन दूर करने कि ये पूरा पूरी डेट मेंशन है कि आपंकर डेट ऑफ बर्थ जदि सेकेंड जनवरी 1981 ओके सेकेंड जनवरी 1981 मसीह जदि फर्स्ट जनवरी 1997 भितर अच्छी ताहले आपको ये पोस्ट आपड़ी एलिजिबल हो पारे ये पोस्ट आप एलिजिबल हो पारे। ओके सो ये एज रिलैक्सेशन कैंडिडेट्स इन द डिफरेंट कैटेगरी फॉर अवेलिंग रिलैक्सेशन एंड रिजर्वेशन बेनिफिट विल बी एज पर द गवर्नमेंट रूल प्रेस्क्राइब बाय द पर्पस। ओके जदि आप कौन सी एज रिलैक्सेशन आपको मिलूँ जमी किसी एस सी बी सी है कि आपड़ी अच्छा एस टी हेले कि एस सी हेले सो आपको जो एज रिलैक्सेशन मिले जमी मिलवा कथा से ही हिसाब से आपको मिल। ओके सो ये प्रोवाइडेड दैट ए कैंडिडेट हु कम अंडर मोर देन वन कैटेगरी ही और सी will be eligible for only one age relaxation benefit jodi apan je konsi gote category pe asu karan apan jodi scbc and sethre apan kor thibe kon na ex serviceman thibe bujhela to sei type re jo different different age relaxation apan ko milibani only jo category pe ki apan thibe means ki jo apan ko beneficial thotwa sei apan kor age relaxation apan ko provide kara jibo bujhela so ethi apan kon and which shall be कन्सीडर मोस्ट बेनिफिशियल टू हिम जोटा बेसी बेनिफिशियल थी से हिसाब से जोटा कि आपको दिजाव एंड सेव आज प्रोवाइडेड एबव। ओके एंड द एज लिमिट प्रेस्क्राइब कैन इन नो केस बी रिलैक्स। ओके या ठार आपको कौन से रिलैक्सेसन मिलना ओके बहुत सारा केस बास होवार थी से कि बहुत सारा डिस्कसन पर आपको ये डिसीजन पहुँची सो दैट कि आप आहरी से रिलैक्स चाहतुन एंड जो मैंने बहुत सारा कैंडिडेट्स भी अच्छा जदि आपती कह मन में आसूँ कि मुझे केस फाइल करी तो सेमती प्लीज करूँ बिकज बहुत दिन पर आपको नोटिफिकेशन आसी एंड बहुत सारा कैंडिडेट्स भी एवेट होते तो से सब किसी करूँ ए तो निहती भाव से कि बेनिफिशियल हम सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑलरेडी हमें डिस्कस करते कि बैचलर डिग्री आपको रहा है। ओके कौन रहा है बैचलर डिग्री रहा है एंड इटी आप कौन रहा है इटी आप जो यूनिवर्सिटी आप बैचलर डिग्री करते एनी डिसिप्लिन आपर एंड इटी आपको कौन होगा कथा ना आप कंप्यूटर नलेज थी कथा कौन से कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको दरकार ना। ओके बट कंप्यूटर नलेज दरकार ओके सो कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको दरकार ना बट अठी आप कंप्यूटर नलेज थी दरकार। ओके सो एग्जामिनेशन फी आप 300 रहा बट इटि आप किसी जोड़ा कि आप कैंडिडेट्स बिलंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब जो मैंने थे एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी जो मैंने थे जोटा कि 40% डिसेबिलिटी अधिका थी एक्सटेंड फॉर द फी कर मैं कौन से फी पड़ा ना। ओके सो ये आउ गए दीजिए द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द फाइनली सबमिटेड ऑनलाइन फॉर्म को आप प्रिंट आउट करेंगे एंड इटे कौन करेंगे फर्दर यूज एंड टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन चालान ऑनलाइन चालान पेन स्लिप गोटे बाहरी थाए जदि आप पकई थे निहाती जानते हैं तो से आप करेंगे ना आप एसबीआई
मीन्स कि एसबीआई जेकोसी ब्रांच को जाइए आप फी डिपोजिट करेंगे। ओके सो ये आम देखा मोड अफ सिलेक्शन आपंकर कौन रहा है, दुटा अलरेडी आम डिस्कस कर सारी से हिसाब से आम प्रिपेरेशन करूँ आम यूट्यूब चैनल रे भी प्रिपेरेशन आम करूँ एंड आम वेबसाइट में प्रिपेरेशन करूँ बहुत सारा कैंडिडेट्स आम जोटा कि व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप जोड़ी होगी अच्छा एंड प्रिपेरेशन आई थिंक बेटर चली थ्रो रे। सो ये आपंकर जो रिटिन एग्जामिनेशन हम एंड जहाँ भी सिलेबस थी सेम सिलेबस रहा सिलेबस किसी चेंज होबार ना सो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस आपको मिलेगा एंड इट स्किल टेस्ट जो है जिते बड़े आप फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे क्या ना रिटिन एग्जाम को रिटिन एग्जाम क्वालिफाई कले देन आपंकर जोटा कि स्किल टेस्ट हम। ओके सो ये देखते ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड आफ्टर द रिटिन एग्जाम टेस्ट सर बी कॉल्ड फॉर द स्किल टेस्ट। ओके तो आप जब फर्स्ट क्वालिफाई होती देन आपको स्किल टेस्ट में डकाज अदरवाइज डक ना। सो ये प्लेस अफ एग्जामिनेशन आप देखने बहुत सारा अच्छी सब जगह हिं अच्छी तो निहत देखने जाए। सो नेक्स्ट ये देखने ओके अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके सो फर्स्ट आप सिटीजन ऑफ इंडिया हवा कथा एंड ये आप कौन करता ना आप स्पीक रीड एंड राइट ओडिया मोस्ट निहाती हवा कथा एंड ये आप फास्ट जिनस है कि पास्ट मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ ओडिया लांगुएज। ओके जदि आप एम ई स्कूल पास करम ई स्कूल मीन सेवेन्थ क्लास पर्यटन आप पास करते देन आप एलिजिबल हो पारे कि मेट्रिकुलेसन कि इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो आपसे जब आप गोटे सब्जेक्ट अच्छी तेल आप कौन हो पारे एलिजिबल हो पारे कि ओडिया लांगुएज को आज फाइनाल एग्जामिनेशन जब आप क्लास भी है सात सेवेन्थ क्लास एट क्लास रोचे सेवेन्थ क्लास रोबर रोचे तो आप एलिजिबल हो पारे जदि आप कौन सी गोटे ओडिया जोड़ा आम बीएससी द्वारा होता है तो बीएससी द्वारा जब ओडिया आपंकर कौन रोचे ना जदि एग्जाम आप दौरान स्पेशली एग्जाम हो से एग्जाम जब आप दौरान आपंकर एलिजिबल हो पारे। ओके सो ये आपको आउ गए जिस है कि द कैंडिडेट मोस्ट ऑफ गुड मेंटल कंडीशन थी कथा बॉडीली हेल्थ थी कथा फ्री ऑफ एनी फिजिकल डिफिसिट लाइकली इंटरफेस विद द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी इन द सर्विस एंड कैंडिडेट्स आफ्टर सच मेडिकल एग्जामिनेशन हालापर आपको जाइए दि जाए छाड़ी दिखाँ। ओके ये आप ओके ठीक अच्छे तो ये सब जिन ये गोटे सब बड़ा इंपोर्टेंट जिस कि जो मैंने गवर्नमेंट सर्वेंट अच्छा। ओके आदि गवर्नमेंट सर्वेंट हो रहा आप टेम्पोरारी कि परमानेंट अच्छा आप एलिजिबल टू अप्लाई अप्लाई करेंगे कितु आप कौन करेंगे ना ये रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आप कथा प्लस आपं सहित आप जेकोसी एज लिमिट आप फास्ट थी कथा एंड रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन थी कथा एंड ये आप कौन हाँ कथा कि आप जेकोसी हेड अफ मानने जो मीनस कि अच्छा कौन कि आपंकर जो कैटेगरी अच्छा तो से आपको रिटिन परमिशन आने दरकार जोटा कि आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आने दरकार। ओके सो अदरवाइज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको फॉर्म रही तो निहाती जमी ओएस आप अप्लाई कला बेले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिकॉर्ड होता निहाती भाव दरकार पड़ो। ओके सो आउ गए ये जिन कैंडिडेट हु क्लेम चेंज इन हर नेम आफ्टर हाविंग पास इन हाई स्कूल पर जो मैंने चेंज करते तो से आपंकर जोटा कि आप लोकल लीडिंग अथॉरिटी जोटा कि आपरेंगे मीनस कि कौन है मीनस कि जेकोसी गोटे कॉपी ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ द ओडिशा गैजेट सपोर्ट इन हाज चेंज नेम तो आप निहाती भाव ओडिशा गैजेट सपोर्ट जमीन आफिडेविट कि अदर केसेस आप यूज करें हो। ओके सो ये आपक्स्ट है एव्री कैंडिडेट सिलेक्टेड अपॉइंटेड फॉर द एक्सर मेडिकल बोर्ड प्रेस्क्राइब गवर्नमेंट सो ये निहाती मेडिकल बोर्ड आम जो अच्छी आने छाड़ से नेक्स्ट है ओनली दोज कैंडिडेट हु फुलफिल द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन विद इन द प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट एंड बाय क्लोजिंग डेट फिलिंग द एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड मीन्स कि आपन जदि क्लोजिंग डेट सुधा आपन को क्वालिफिकेशन हो जाउची मीन्स कि बहुत सारा कैंडिडेट्स एबे मते पचारुथले कि सर आमे मु एबे ग्रेजुएशन करूची हे परिबे कि नै कि मोर एबे फाइनल इयर अछि हे परिबे कि नै। सो बेसिकली जदि आपन क्लोजिंग डेट पर्यंत मीन्स कि आपन 9 नवंबर सुधा आपन जदि आपनकर ग्रेजुएशन फुलफिल करिसेंती रिजल्ट आपन को पब्लिश हे जाइची देन आपन एलिजिबल हे परिबे एंड एठी जो आपन को एज लिमिटटा बट एटा एज लिमिट को आपन देखंतु फाइनल पर्यंत देखिबेनी एज लिमिट रो प्रेस्क्राइब डेट जो दिया हैची से अनुसार आपन एज लिमिट को कैलकुलेट करिवे। ओके सो नेक्स्ट है आउ किसी इंपोर्टेंट पॉइंट तो सब इंपोर्टेंट पॉइंट तो किसी दरकार नहीं बट ये जहाँ भी आपको कहे सब बहुत इंपोर्टेंट। सो ये देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन फास्ट देते कौन से ऑफलाइन एप्लीकेशन ना एंड ये आपंकर एडमिशन ऑफ द रिटेन प्रोविजनल छाड़ दिखाँ। ओके सो एस एस टी आप निहाइट कि कनसेसन मीट एस सी एस टी एंड एस सी बी सी बार्थ एडमिशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बेकोड़ क्लासेस ओनली। ओके तो आप एस सी एस टी एस सी बी सी कथा ओबीसी नुह ओबीसी बेसिकली आप जो ग्रुप में बहुत सारा क्वेश्चन आसाला कि सर ओबीसी आम कमी करूँ ओबीसी एस सी बी सी सेम जिन बट आप एस सी बी सी सेपरेट कैटेगरी गोटे सर्टिफिकेट बाहर करवा दरकार एंड जदि आप पकाउंट पूर्व एस सी बी सी सर्टिफिकेट बाहर करके ही पकातु। ओके
सो नेक्स्ट है आपंकर ओके ये आउ जिन कि आप जिते बड़े पकाउं से बहुत केयर रे पकात एंड से आपको गोटे प्रिंट आउट भी काढ़ी नि ओके सो यहाँ मुझे कह एक्चुअली आपको ओके नेक्स्ट आम देखा डिस्कस करवा ओके ठीक अच्छे तो ये आपंकर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स अटैच एवं किसी आपको सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स दरकार ना तो से आपको किसी कहूनी तो बिकज जिते आप शॉर्टलिस्टेड हे मीनस कि आपको फास्ट रिटन एग्जामिनेशन हो जाव देन आपंकर डॉक्यूमेंट्स दरकार तो से सब मुझे डिस्कस करूनी तो निहाती देखी नहीं जी सब ओके सो ये ओके नेक्स्ट है ओके ये आप सब डॉक्यूमेंट्स ओके सो ये ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन एप्लीकेशन ग्राउंड जदि आपको एप्लीकेशन रिजेक्ट हो पाए ओके सो आपको एप्लीकेशन रिजेक्ट हो पाए जब आपको ये सब जिन अच्छी देखो एज लिमिट आपंकर पारा थ्री जहाँ भी कहगला से रहा कथा ओके सो ये नेक्स्ट जिनसा कि एज लिमिट रहा कथा एंड नेक्स्ट है आपको रिक्वायर्ड एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन जब आपको ना तो आपड़े नॉन पेमेंट जब करते आपको रिजेक्शन हो पार जदि आपंकर ओडिया टेस्ट रे एम स्टैंडर्ड नॉट पास होती है कि ओडिया टेस्ट आप पास करना आप जोटा कि आपको एप्लीकेशन रिजेक्टेड होके से टाइप जब आप कौन से रंग इनफर्मेशन दौरान फल्स इनफर्मेशन दौरान क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग एज रिगार्डिंग एंड जो ओडिया टेस्ट पास रिगार्डिंग किंवा कैटेगरी स्टाटस रिगार्डिंग जमीक एससी एस टी बी सी पीडब्ल्यूडी स्पोर्ट्स पर्सन एंड एक्स सर्विसमैन ओमेन यू विषय दौरान आपको जदि भूल इनफर्मेशन दौरान आपड़ा जोटा कि आपको एप्लीकेशन रिजेक्ट हो एंड सप्रेसन अफ एनी फैक्ट जब इनफर्मेशन आज किसी सप्रेस करके रखिचे एलिजिबल हो पारे ना एंड एनी ग्राउंड जोटा कि आपको जोटा कि कमिशन थ्रो रे जोटा कि इलीगल इनफर्मेशन आज दौरान ताले आप एलिजिबल हो पारे ना तो अप्लाई केमती करेंगे ओपीएससी डॉट डब्ल्यू डॉट बा एचटीटीपीएस जोटा कि ओपीएससी ऑनलाइन डॉट गव डॉट इन को जाइए केमती आप एप्लीकेशन करेंगे मुझे गोटे वीडियो करके आपको कहीदेवी ओके सो ये बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन आपको निहाती भाव में जहाँ भी किसी गाइडलाइंस दिखाई आपड़ केमती एल टी आई देपर एंड आपंकर केमती भाव में थम इंप्रेसन रोक केमती फोटो रेड आपंकर सिग्नेचर केमती रोक से दिखाई से जदि आपको किसी भी असुविधा होने जोटा कि ओपीसी रोटा कि फैसिलिटी काउंटर अच्छी 1800-3456-770 कि 1555-335 को आपड़ 10:30 AM रु 1:30 PM भितर फोन करेंगे कि 2:00 रु 5:00 पर्यटन आप फोन करेंगे बुझेगा तो ये सो मुझे गोटे जिन छाड़ी आपको देखो कि ये जो एस ओबीसी ये डायरेक्टली कहीदी कि ओबीसी सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लियू ऑफ एससीबीसी सर्टिफिकेट जब आप एससीबीसी सर्टिफिकेट ना तो बदल आप ओबीसी सर्टिफिकेट देखते एक्सेप्ट होना ओके से निहाती भाव में एससीबीसी सर्टिफिकेट बाहर करूँ ओके एंड सर्टिफिकेट आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर जहाँ भी करा कंपिटेटिव अथॉरिटी अच्छी करेंगे एंड ये आप कमी अप्लाई करेंगे ओपीसी को कमी जाइए मुझे कहि अलरेडी एंड नेक्स्ट है आउ गए जिनसे मुझे कहीदे ये ओके सो ये क्लोजिंग डेट आपको दिखाई कि ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी अवेलेबल इन द वेबसाइट फ्रॉम द 10/10/2018 ओके सो आपको केबे हेबो 10 अक्टोबर 2018 रु 9 नवंबर 2018 पर्यंत अवेलेबल रहिबो एंड ये आप लास्ट डेट जोटा कि आप फी डिपोजिट पाई जो आप पे स्लीप बाहर से आप 13/11/2018 पर्यंत कौन करेंगे आपणकर फी पेमेंट करेंगे ओके सो निहाती भाव में फास्ट रू आप एग्जाम भरीदेवे बट सब इनफर्मेसन को टिकी निकी पढ़ु जमीक आपल्लिकेसन जमी रिजेक्टेड न हुए ओके आउ सब बड़ इंपोर्टा जिनस कि आप एग्जाम December 23 हे अलरेडी मुझे पूर्वर कही कि December 23 आप एग्जाम हे एंड December 23 ही फाइनाल एग्जाम डेट बाहरी सो दैट कि आप टाइम बहुत कम अच्छी एंड गसिपिंग छाड़ी आपती भाव में प्रिपेरेसन स्टार्ट करनी ओके एंड जो मैंने आपंकर वर्किंग कैंडिडेट्स अच्छा नोवाइस अच्छा से प्रिपेरेसन करेंगे निजक अंडर एस्टिमेट करूँ हार्डली आपके 3 और 4 मंथ अच्छी सो 3 मंथ अच्छी आपती भाव में सो से कि आप आज प्रिपेरेसन स्टार्ट करनी एंड आउ जिन जो मैंने प्रिपेरेसन करने चाहूँ समस्त कि आम वेबसाइट थ्रो में आप विजिट करूँ www.promoteclasses.com से आपको टोटल जो वीडियो अच्छी सिलेबस ऑलरेडी स्टार्ट हो गला तो आपको टोटल वीडियो प्रोवाइड करदेबू विथ PDF सहित एंड तार डेमो आप वेबसाइट देखिपारे एंड ता सहित आम टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करुच्छू 100+ टेस्ट सीरीज आम प्रोवाइड करुच्छू विथ लाटेस्ट सिलेबस अनुसार सो दैट कि आप कन्फ्यूज हबार ना आम चैनल जब आप देखुं कि न्यू अच्छा कि अदर कैंडिडेट्स अच्छा जो मैंने आम वेबसाइट थ्रो में एवं पर्यटन CVLS कंप्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करना सो प्लीज आप
ଯେଉଁଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚର ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଡ ଯଦି ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ www.promoteclasses.com ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତ। ଓକେ, ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଏଣ୍ଡ ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ନିହାତି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ୟୁକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଯେଉଁଟାକି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଓକେ, ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।